अगर वो बने गोमती, अगर वो बने गोमती तो मैं रिवर फ्रंट बन जाऊं, अगर वो बने गोमती तो मैं रिवर फ्रंट बन जाऊं, अगर वो चाल चले दीदी जैसी तो मैं लड़का चंट बन जाऊं, अगर वो चाल चले दीदी जैसी तो मैं लड़का चंट बन जाऊं। और क्या कहा, बकैती नवाबों से करनी है, क्या कहा, बकैती नवाबों से करनी है, ये यूपी है कहो तो तुम्हारी भी गाड़ी पलटाऊं, ये यूपी है कहो तो तुम्हारी भी गाड़ी पलटाऊं। अब थोड़ी महबूबा की नजर से पड़ेगा, सुनिएगा इसको, कि बनारस से लाकर मीठा पान उसने खिलाया मुझे, बनारस से लाकर मीठा पान उसने खिलाया मुझे, बरेली का झुमका लगाकर कानों पर उसने दिखाया मुझे, बरेली का झुमका लगाकर कानों पर उसने दिखाया मुझे, और अलीगढ़ के ताले से वो गिरफ्त में करना चाहता था मुझको, अलीगढ़ के ताले से वो गिरफ्त में करना चाहता था मुझको, सही समय पर लखनऊ के नवाबी हुक्के ने बचाया मुझे, सही समय पर लखनऊ के नवाबी हुक्के ने बचाया मुझे। अब खूबसूरती को नजर करता हूं, ये शेर मेरा, कि हुस्न क्या चीज है, खूबसूरती ने खुद को ढाला है उसमें, हुस्न क्या चीज है, खूबसूरती ने खुद को ढाला है उसमें, माथे पर बिंदी और पल्लू भी डाला है उसने, माथे पर बिंदी और पल्लू भी डाला है उसने, और तमाम कायदे उसके एहतमाम में सजदा कर गए, तमाम कायदे उसके एहतमाम में सजदा कर गए, जब से मेरी माँ को मम्मी जी कह डाला है उसने, जब से मेरी माँ को मम्मी जी कह डाला है उसने। और अगला लिखता हूँ कि महक जाते हैं मेरे पन्ने जब तेरे बारे में लिखता हूँ, महक जाते हैं मेरे पन्ने जब तेरे बारे में लिखता हूँ, महज स्याही ही बिखरी है कोई गुलाब तो नहीं, महज स्याही ही बिखरी है कोई गुलाब तो नहीं, और वो कल जो बैठी थी बस में मेरे सामने नकाब ओढ़कर, वो कल जो बैठी थी बस में मेरे सामने नकाब ओढ़कर, दिल आ गया है उन पर कहीं वो आप तो नहीं, दिल आ गया है उन पर कहीं वो आप तो नहीं। और एक गजल पेश करता हूँ, सुनिएगा कि इसको, जो ऑफिस पेशे वाले आदमी उनके लिए पहली दो लाइनें, उसके बाद मोहब्बत है, सुनिएगा कि एक मेरे दिन हैं जो दफ्तर में कटे जा रहे हैं, एक मेरे दिन हैं जो दफ्तर में कटे जा रहे हैं, लोग समझते हैं कि मुझको बड़े मजे आ रहे हैं, लोग समझते हैं कि मुझको बड़े मजे आ रहे हैं, और एक वो है जो एक नजर देखता भी नहीं मुझको, एक वो है जो एक नजर देखता भी नहीं मुझको, एक हम है जो हर नजर उसको ही देखते जा रहे हैं, एक हम है जो हर नजर उसको ही देखते जा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत लाइन है, सुनिएगा कि जरूर छुई है किसी ने कलाई उसकी, जरूर छुई है किसी ने कलाई उसकी, उसके हाथों में नए कड़े नजर आ रहे हैं, जरूर छुई है किसी ने कलाई उसकी, उसके हाथों में नए कड़े नजर आ रहे हैं, और ऐसी भी क्या जिद कि तुम मेरे हो ही नहीं सकते, ऐसी भी क्या जिद कि तुम मेरे हो ही नहीं सकते, ये कौन लोग हैं जो तुम पर मरे जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो तुम पर मरे जा रहे हैं। अब एक पोएट्री पेश करता हूं, इसका टाइटल है कि एक तरफा प्यार, तो सुनिएगा कि माना तुम्हें प्यार नहीं पर मैं इजहार कर तो सकता हूं, माना तुम्हें प्यार नहीं पर मैं इजहार कर तो सकता हूं, हां जानता हूं बहुत मुश्किल है ये, हां जानता हूं बहुत मुश्किल है ये, पर एक तरफा प्यार कर तो सकता हूं, पर एक तरफा प्यार कर तो सकता हूं, अपने किस्से कहानियों में तुम्हारा जिक्र भी नहीं करूंगा, अपने किस्से कहानियों में तुम्हारा जिक्र भी नहीं करूंगा, पर फिक्शन स्टोरी बताकर तुम्हारा नाम लिख तो सकता हूं, पर फिक्शन स्टोरी बताकर तुम्हारा नाम लिख तो सकता हूं, और तुम्हें किसी और के साथ बिजी देखकर अपनी व्हाट्सएप डीपी हटाऊंगा जरूर, भाई साहब रखी भी होगा, ठीक है, तुम्हें किसी और के साथ बिजी देखकर अपनी व्हाट्सएप डीपी हटाऊंगा जरूर, हाँ तुम पूछोगे आकर कारण मुझसे, क्या मैं इतना सा स्पेशल इंसान बन सकता हूँ, क्या मैं इतना सा स्पेशल इंसान बन सकता हूँ, और तुम्हारे कान के पीछे सरकती हुई तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारे कान के पीछे सरकती हुई तुम्हारी जुल्फें, उन्हीं कानों पर चमकती सी बाली,
उन्हीं कानों पर चमकती सी बाली और तुम्हारे नीचे वाले होंठ के बाएं तरफ का वो तिल, तुम्हारे नीचे वाले होंठ के बाएं तरफ का वो तिल, क्या मैं इन नजारों को दिल में उतार सकता हूँ, क्या मैं इन नजारों को दिल में उतार सकता हूँ। और टिमटिमाते सितारों की रोशनी जब भी फीकी पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी में, टिमटिमाते सितारों की रोशनी जब भी फीकी पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी में, क्या मैं कभी मोमबत्ती की लौ बनकर तुम्हारे लिए जल सकता हूँ, क्या मैं कभी मोमबत्ती की लौ बनकर तुम्हारे लिए जल सकता हूँ। और किसी और का हाथ थाम कर तुम चलते रहना अपने राहों पर, किसी और का हाथ थाम कर तुम चलते रहना अपनी राहों पर, क्या मैं ढलते सूरज की तरह तुम्हें ताक सकता हूँ, क्या मैं ढलते सूरज की तरह तुम्हें ताक सकता हूँ। और आखिरी की दो लाइन है कि तुम्हें तौहीद मानकर तुम्हारे इश्क की मुकम्मल फरियाद करता रहूंगा, तुम्हें तौहीद मानकर तुम्हारे इश्क की मुकम्मल फरियाद करता रहूंगा, अगर तुम दे दो इजाजत तो क्या मैं तुम्हें एक तरफा प्यार कर सकता हूँ, अगर तुम दे दो इजाजत तो क्या मैं तुम्हें एक तरफा प्यार कर सकता हूँ। शुक्रिया।